बुलाने पर भी नहीं आता है वो, उसको बुलाने पर भी नहीं आता है, उल्टे जो है वो क्या बोलता है कि हमको खबर मिलेगा तभी ना, हमारा तबीयत खराब है, कभी बोलता है हम कटियार में है, कभी बोल रुपया कर रहे हैं। और यहाँ तक जो भी आज के डेट में मुखिया जो भी है वो तो हम देख रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो निवर नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रिटिश बिहार, मैं हूं सुंदर कुमार। त्रिस्तर पंचायत का जो चुनाव का जो माहौल है, जो रुझान है जनता के बीच में जानेंगे हम। अभी हम मौजूद हैं कदवा प्रखंड के सागर पंचायत में, तमाम हमारे पीछे में जो ग्रामीण लोग उनसे बातचीत करेंगे। इस बार जो जो उम्मीदवार है किन 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 उम्मीदवारों का जो चेहरा उनके दिल दिमाग में बसे हुए हैं, किस तरह का इस पंचायत में विकास हुई है, किस तरह कमियां रह गया है, तो तमाम हम मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीण लोग से। आखिर किन क्या चीज़ समस्या रह गया, क्या चीज़ अधूरा कार्य रह गया है। सबसे पहले बताएं पंचायत चुनाव का जो माहौल है क्या लगता है इस बार? इस बार हम लोगों का पंचायत से हमारा मुखिया राजेश कुमार लाल को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे और जिताएंगे। क्यों जिताइएगा उनको? क्योंकि वह जब मुखिया पद में था हम लोगों को रोजगार भी दिया था, उसके बाद क्या है कि काम धंधा भी गांव का चौमुखी विकास हुआ था। निवर्तमान जो मुखिया है यहाँ के, क्या लगता है कार्य किस तरह का रहा इस पंचायत? संतोषजनक नहीं रहा। ओ है ही नहीं, संतोष के लायक नहीं, संतोष लायक नहीं है। हर कार्य से आप असंतुष्ट हैं? उनके कार्य से असंतुष्ट हैं आप? उसके कार्य से असंतुष्ट यह है कि जहाँ होना चाहिए 100 रुपया का काम वहाँ 25 रुपया का काम किया है, इसलिए असंतुष्ट है। इस बार एकदम बदलाव करेंगे हम लोग। क्या कहेंगे आप? चुनावी का माहौल है, चुनाव का माहौल है, हर दुख में जो है सिर्फ एक ही लोग, एक ही शख्स खड़ा होता है वो है राजेश लाल, और इस बार उनको ला करके रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए वो आएगा ही आएगा, और सागरत का विकास होगा, सागरत का लड़कों का भला ही होगा, सागरत के परिवार का भला ही होगा। जी, सभी प्रत्याशी अभी चुनाव के माहौल में सभी प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, वोट के लिए अपील कर रहे हैं जनता लोग के विषय पास जाके, क्या कहेंगे इसके बारे में? सही कर रहे हैं वो लोग, वो लोग कोई गलत नहीं करता, इस बार हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं राजेश लाल को, इस बार जिताना है और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगा। रिकॉर्ड तोड़ जीत होगा। क्यों जिताना चाह रहे हैं राजेश कुमार लाल को? राजेश कुमार लाल एक ऐसा नेता है जो कि सागरत पंचायत के लिए एक हनुमान है जी। वो हमारे लिए, आप 12 बजे रात में भी कभी यदि उसको बुलाइएगा तो वो 12 बजे रात में आपके पास खड़ा है, लेकिन किसी की डेथ भी कर गया है तो और जो अदर जो मुखिया है वो आपके पास झांकी मारने नहीं आएगा। जो सरकारी फंड भी आता है, मतलब मृत्यु का जो आपका जो कफन का पैसा आता है वो भी खा जाता है, और राजेश लाल वो जो जाके 5,000 रुपया देता है उसको कि आप इसका अंतिम संस्कार करवाइए, तो कौन है मेरा नेता? तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव का जो रुझान है किसके तरफ जाएगा? राजेश लाल 100% राजेश लाल भारी मतों से जीतेगा, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता है ना कोई टोक सकता है। किस तरह का कार्यकाल रहा उसका? कार्यकाल ये रहा, 5 साल वो मुखिया नहीं रह के भी अभी हर एक के दिल में वो छाया हुआ है, सिर्फ राजेश लाल। जो वर्तमान मुखिया रहा वो उसका नाम तक लेना आदमी पसंद नहीं कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे? चुनावी का माहौल है, निवर्तमान मुखिया का जो कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुखिया एक तो सबसे पहले बहुत शिक्षित है और शुरू से ही जो ये गांव के समाज से भी करता आया हुआ है, कभी किसी को फीलिंग भी नहीं हुआ होने दिया कि मैं 5 साल मुखिया नहीं रहा। 5 साल पहले भी मुखिया रह चुका है ये, उस टाइम में भी बहुत अच्छा काम किया। जो पीछे जो 5 साल रहा, हाँ, किस तरह कार्य कर रहा? उस टाइम में तो बहुत ही अच्छा काम किया, नहीं रहने के बाद भी किसी को फीलिंग नहीं होने दिया कि मैं मुखिया नहीं हूँ। किसी भी फोन कर आज तक वो जो ऑन ड्यूटी पे भी मुखिया है, वो लोग कभी भी किसी भी पंचायत में अपना साइड से जो भी करना था वो अपना किया। इस टाइम में हम लोग कभी भी उसका सकल कभी भी किसी भी इमरजेंसी में किसी भी फोन करें कोई उनके लिए नहीं आने का। अभी चुनाव के माहौल है, खुद आएंगे आपके पास? नहीं, कौन वो आएंगे तो नहीं, आने के लिए सबका आमंत्रण है, आप आइए चुनाव में, आप भी हैं हम भी आना ही आना है, उसको आप भगा तो नहीं दीजिएगा, लेकिन हमारा एक संघर्ष है कि हमको किसी भी 100% नहीं तो 110% उसको जिताना है। आजकल गली रोड में चलता है जो पब्लिक, वो राजेश लाल का ही देन है, नहीं तो कीचड़ था इस पैर में जो है कीचड़ लग करके जाता था। बुलाने पर भी नहीं आता है उल्टे जो है वो
क्या बोलता है कि हमको खबर मिलेगा तभी ना, हमारा तबीयत खराब है, कभी बोलता है हम कटियार में है, कभी बोलता है हम घर में है, तो वो मुखिया का जोक है वो भोजरी वाला। हाँ क्या इस बार चुनावी जो रुझान होगा किसके तरफ हो जाएगा? इस बार हमारा राजेश लाल ही बनेगा, दूसरा कोई नहीं टपेगा। इस पहले बार भी राजेश लाल ही जीता हुआ था, किसी भी कारण से 100% जीता हुआ था, किसी कारण से किसी और को उठा के उसका जो 200-300 वोट था वो डाइवर्ट हो गया, नहीं तो 100% फिर अभी कंटिन्यू चलना था। राजेश प्रसाद को कोई भी नहीं हरा सकता था, पहले भी हारा है, बहुत कम वोटों से हारा है। कुछ महिलाएं सब है, महिला लोग से भी हम बातचीत करेंगे, आखिर महिलाओं के मन में क्या चल रहा है इस पंचायत के उम्मीदवारों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? पंचायत चुनाव का माहौल है, राजेश लाल अच्छा है, वो जो है हर सुख में दुख में हर समय साथ देता है हर इंसान का, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो गौरीगंज में या जहाँ का वो प्रेजेंट अभी मुखिया है वहाँ नहीं साथ देता है, वहाँ भी जाके साथ देता है और अपना पूरा पंचायत में दुख में सुख में हर जगह वो साथ देता है, इसलिए हम लोग राजेश लाल को इस बार जो है मुखिया में जिताना चाहते हैं। इस 5 साल के दौरान कुछ सरकारी लाभ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, जहाँ तक कि वो घटा ही लगा दिया है हमने। इंदिरा आवास सबका आया, मेरा लिस्ट में नाम आते हुए उस मुखिया ने नहीं दिया। 30,000 रुपया मांग रहा है, आपने पूछा नहीं क्यों नहीं दिया? आप बोलता है आपका लिस्ट में नाम आया ही नहीं है, लिस्ट में नाम देख लिए बोलता है आपका नंबर सिस्टम है, नहीं आया है। हम लोग से जो पीछे का है उस सबका आ गया है, हम लोग का नहीं आया है। क्या करेंगे इस बार चुनाव में? हाँ, चुनाव में राजेश लाल को जिताएंगे। क्या कहना चाहेंगे? राजेश लाल को जिताना है। क्यों जिताना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, दिल्ली में भी रहता है तो 24 घंटा में सागर पहुँच जाता है, मरते हैं तो तुरंत वो आ जाता है, ये मुखिया कभी नहीं ढकने आता है, आरो पैसा लेता है, 20,000 दीजिए तब इंदिरा आवास पास करेंगे, मतलब तब वृद्धा पेंशन देंगे। सरकारी कार्य के लिए मुखिया जी पैसा का डिमांड करते हैं? हाँ, पैसा दीजिए तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम लोग को बहुत तकलीफ है मुखिया से, मुखिया हम दरवाजा पर आने को नहीं, उसका मेंबर उसका सब चीज जो है वही मेंबर लोग भी ऐसा करता है, 2,000 टका पहले दो तब नाम लिखेंगे, न फिर 10,000 टका दो तो आपका पास होगा, 30,000 टका दो तो आपका खाते में आएगा जी। ये कहाँ से हम लोग देंगे? तो सूची में नाम आया हुआ, सूची में नाम हम लोगों का नहीं मिला है, फिर भी वो चकमा दिखाता है। तो इस बार क्या लगता है इस पंचायत में क्या बदलाव करके रही है? इस बार 100% नहीं मिलेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पैसा दे देके मेन मेन जगह पर वोट को ले लिया पैसा देके, नहीं तो अगले बार ही वो राजेश मुखिया रहता। लेकिन चुनाव का माहौल है, सभी पैसा से खेला होगा, पैसा से खेला था। क्या कहेंगे इस बार? हम लोग से यहाँ पैसा लगाएगा तो झाड़ू से मारेंगे, हम लोग के यहाँ पैसा लगा झाड़ू से मारेंगे उसको। जनता जान चुकी है, इस बार इस बार जनता जाग चुकी है, लगभग यहाँ 600 वोट है, लेकिन 550 जो है जनता सब कोई बोल रहा है राजेश कुमार लाल को जिताएंगे, क्योंकि यह गरीब का मसीहा है, गरीब का यह मसीहा है और सुख दुख में प्रेजेंट सर रहा। लेकिन जनता जाग चुकी है, वो झांसा में नहीं आने वाला, इस बार पैसा में कोई इस बार एक ही आवाज आता है, राजेश कुमार लाल जीतेगा जी, जीतेगा। तो तमाम यहाँ के जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि जो 5 साल जो यहाँ के जो निवर्तमान मुखिया रहे हैं उनका जो कार्य से मैं असहमत हूँ, उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और इस बार हम बदलाव करना चाह रहे हैं, एक नए उम्मीदवार नए चेहरा को हम लाएंगे ताकि हमारे पंचायत को विकास होगा। तो कदवा से बिजुस बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, कटिहार।